डिफिनेशन ऑफ ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस जिसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलने का एक स्पेसिफिक रीजन है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेशन वेलोसिटी, इसमें आता है साइन या कोसाइन, और साइन कोसाइन फंक्शंस को आप बोलते हो हार्मोनिक फंक्शंस। तो यहाँ पे अगर आपने पहला ही कोई टॉपिक डिस्कस किया था तो दैट वाज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने सबसे पहले लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया था। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने के लिए वी हैव टेकन अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है और हमारे पास टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, यू हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ दिस टेबल, एंड देन यू हैव अ स्प्रिंग। वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू दिस वर्टिकल वॉल, वाइल द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक। तो याद रखना, यू हैव अ वर्टिकल वॉल, यू हैव अ टेबल केप्ट ऑन, सॉरी, यू हैव अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, यू हैव अ स्प्रिंग, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू वर्टिकल सपोर्ट, वर्टिकल वॉल, वाइल द अदर इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक। नाउ अंडर इक्विलिब्रियम मतलब जब फोर्सेस बैलेंस्ड है, मतलब जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं किया, तो व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम या तो इस ब्लॉक को टू द राइट मूव करेंगे, टू द राइट मूव करोगे तो स्प्रिंग में स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया टू द राइट, तो डिस्प्लेसमेंट टू द राइट। लेकिन क्योंकि स्प्रिंग में स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ और अगर हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो दिस ब्लॉक विल मूव टू द लेफ्ट, मतलब ब्लॉक विल मूव टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन। सिमिलरली अगर आप स्ट्रेच की जगह पे कंप्रेस कर देते हो, मतलब ब्लॉक को टू द लेफ्ट मूव करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट है टू द लेफ्ट, तो फोर्स होगा टू द राइट, मतलब फोर्स विल बी टू द टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो इन बोथ द केसेस इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होता है उतना ज्यादा वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जितना कमजोर होता है उतना ही वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज कॉल्ड एज फोर्स कॉन्स्टेंट और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ये हो गया पहला डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, इज डिफाइंड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट इज डायरेक्टेड अपोजिट, मतलब डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन, इज नोन एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो माइनस के एक्स, तो ए इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स, के बाय एम आता है ओमेगा स्क्वायर, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा डेफिनेशन हो गया। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इट इज टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन। इसके बाद हमको फाइंड करना है इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमको फाइंड करना है इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उससे पहले हम पहले फाइंड कर लेंगे व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले फाइंड करेंगे, तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें डेरिवेटिव्स आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM कैसे करोगे, तो सिंपल आइडिया है, हमने अभी अभी ए डिराइव किया, ए क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन ए क्या है dv बाय dt माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वी क्या है dx बाय dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आपको मिल जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज फर्स्ट
फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, पहला फॉर्म है। दूसरे फॉर्म में ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखोगे के बाय एम, तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड फॉर्म है, मल्टीप्लाई बाय एम, तो एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, ये तीसरा फॉर्म है। तो ये तीनों है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, यहां तक क्लियर। इसके बाद हमको फाइंड करना था व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अब क्योंकि हमको एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, एक्सेलरेशन से। तो वी ऑलरेडी नो दैट ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर हम यहां लिखते हैं डीवी बाय डीटी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। प्रॉब्लम ये है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें तीन वेरिएबल है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, टाइम इज वेरिएबल एंड एक्स इज वेरिएबल, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो पहले तो यहाँ पे दो वेरिएबल लाओ, फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाओ, वेरिएबल सेपरेट करो और इंटीग्रेट करो, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल प्रोसीजर है। तो एक काम करो, व्हाट वी कैन डू इज डीवी बाय डीटी को अलग करके डीटी डीएक्स डीएक्स कर लिया एडजस्ट, तो हमने सिर्फ यहाँ पे डीएक्स डीएक्स एडजस्ट कर लिया बाय यूजिंग चेन रूल, ये चेन रूल है ये डेरिवेटिव का, डीएक्स बाय डीटी होता है वी, तो यू हैव डीवी बाय डीएक्स और डीएक्स बाय डीटी ये है वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ इफ यू सी, तीन वेरिएबल की जगह पे आ गए दो वेरिएबल्स, बराबर तीन वेरिएबल थे वी टी एंड एक्स, अब रह गया वी एंड एक्स, और ऊपर से ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, मतलब मैं एक्स वेरिएबल को एक साइड भेज सकता हूँ, तो मैं एक्स को वहां शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या बचेगा वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गया तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज टू इंटीग्रेट, तो इसको कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेट, तो वी विल इंटीग्रेट दिस, सॉरी वी विल इंटीग्रेट दिस। तो जब इंटीग्रेशन करते हो तो कॉन्स्टेंट को रखते हो बाहर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या था कॉन्स्टेंट था, उसको रख दिया बाहर, v का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यू विल हैव अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये इनडेफिनेट है ना, यहाँ पे कहाँ लिमिट्स है, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो अगर आपके पास लिमिट्स नहीं होते तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। अब हमको फाइंड करना है c, उसके लिए हम यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन मतलब SHM में होता क्या है, जब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आए, ये उसका मीन था, ये उसका मान लो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे हो या राइट एक्सट्रीम पे हो, लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब x इक्वल टू a, राइट एक्सट्रीम मतलब x इक्वल टू a और लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब x इक्वल टू माइनस a, तो जब जब पार्टिकल x इक्वल टू प्लस a या माइनस a पे है तो v की वैल्यू कितनी है, जीरो, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि उसको टर्न लेके वापस आना है तो रुकना पड़ेगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए यू हैव वी इक्वल टू जीरो, और ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर वन में, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, तो यू हैव इक्वेशन नंबर वन वी स्क्वायर बाय टू, लेकिन वी कितना है, जीरो है, तो जीरो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाय टू प्लस सी, देयरफॉर सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू, इसको वापस से इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू यू हैड वी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, सी है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू, वी स्क्वायर बाय टू यहाँ से आपने ओमेगा स्क्वायर बाय टू निकाल लिया कॉमन, आपके पास बच गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू टू हो गया कैंसल, तो यू विल हैव वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन यू टेक रूट स्क्वायर रूट, तो यू गेट वी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो हमारे पास, हमने स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन से, हमने फाइंड कर लिया वेलोसिटी, अब फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, वी होता है dx by dt, तो लिखोगे dx by dt, मैं v का सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, मैं माइनस वैल्यू नहीं लूंगा, क्योंकि प्लस और माइनस का से मतलब इतना होता है, प्लस मींस दैट द पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड राइट एक्सट्रीम टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड,
राइट, इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, और नेगेटिव मतलब कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो साइन मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा उसका पॉजिटिव वैल्यू। फिर जो v है वो क्या है, dx by dt है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वापिस से ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो dt को शिफ्ट कर दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट को शिफ्ट कर दो, तो यू विल हैव dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो क्या करते हो, इंटीग्रेट। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, और जब आप इंटीग्रेट करते हो तो कॉन्स्टेंट को बाहर रखते हो, तो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, विच इज साइन इनवर्स ऑफ x by a। ये आ गया ओमेगा t प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अल्फा अल्फा बोलो, फाइ बोलो, बीटा बोलो, थीटा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x by a इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग दिस एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आ गया साइन, और वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, तो उसमें भी आ जाएगा साइन या कॉस, और ए तो डायरेक्टली माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो वहां पे भी आ जाएगा साइन या कॉस। मतलब तीनों ही केसेस में यू विल इधर फाइंड साइन और यू विल फाइंड कॉस, मतलब वो क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, क्योंकि वहां पे हार्मोनिक फंक्शन है। दैट इज द आइडिया। अब ये जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है, सम इक्वेशन नंबर 4, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, इसका मतलब पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, वी डोंट नो, मे बी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, मे बी इट कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, मे बी इट कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एल्स। तो हम दो स्पेशल केसेस लेते हैं, एक में हम बोलते हैं पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन, अनदर एक्सट्रीम पोजिशन। जब तुम बोलते हो स्टार्ट्स मतलब टी इक्वल टू जीरो, जब तुम बोलते हो मीन तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो लॉजिकली स्पीकिंग कुछ है ही नहीं इसमें, दो स्पेशल केसेस है। लेट अस से पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, मतलब एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल वॉज एट एक्स इक्वल टू जीरो, पुट टी जीरो एक्स जीरो इन इक्वेशन नंबर 4, एक्स जीरो ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू जीरो प्लस अल्फा, ये शिफ्ट कर दिया, ये हो गया जीरो, तो साइन ऑफ जीरो प्लस अल्फा इज अल्फा, जीरो इक्वल टू साइन अल्फा मतलब अल्फा इक्वल टू जीरो, तो ये अल्फा इक्वल टू जीरो वापस यहाँ पे डाल दो, तो x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जीरो, मतलब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सो व्हेनेवर द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी विल बी द इक्वेशन दैट यू विल बी यूजिंग। ए साइन ओमेगा टी बोला ना मैंने, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कॉस बोला क्या, तो वो एक्सट्रीम के लिए है, तो कॉस होगा एक्सट्रीम के लिए। तो यू हैव एट टी इक्वल टू जीरो, अगर पार्टिकल स्टार्ट करता है प्लस माइनस ए से, मतलब पार्टिकल इधर स्टार्ट फ्रॉम बी और इट स्टार्ट फ्रॉम सी, तो एट टी इक्वल टू जीरो इफ यू हैव एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू अगेन इन इक्वेशन नंबर 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू जीरो प्लस अल्फा, तो ये ए और ये हो गया कैंसल, प्लस माइनस 1 इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, बराबर। तो साइन अल्फा या तो प्लस 1 होगा या फिर साइन अल्फा माइनस 1 होगा, दोनों में से एक होगा। जब साइन अल्फा प्लस 1 होगा तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 आएगी, जब माइनस 1 होगा तो अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 आएगी। तो जब पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें इक्वेशन नंबर 4 में, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल पुट x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, राइट, प्लस पाई बाई 2 मतलब पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, तो व्हाट इज दिस, ए कॉस ओमेगा टी, और जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, 3 पाई बाई 2, यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन का बनेगा कॉस और साथ में क्या आएगा, माइनस साइन, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी आना भी चाहिए, मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, तो एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बराबर। एट टी इक्वल टू जीरो अगर एक्स इक्वल टू प्लस ए है तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एक्सट्रीम,
एट टी इक्वल टू जीरो अगर एक्स इक्वल टू माइनस ए है तो अल्फा थ्री पाई बाई टू मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो ये तीन केसेस हो गए हमारे। देन यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? इसके बाद हम जनरल एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते थे ना। यहां तक यहां प्रोसेस उल्टा था। यहां तुमने एक्सेशन से स्टार्ट किया, वहीं से किया ना, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से स्टार्ट किया ना, फिर क्या लिखा डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर डीवी और डीटी को शिफ्ट करके डीएक्स डीएक्स कर लिया एडजस्ट, फिर वी डीवी बाई डीएक्स हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर वी डीवी हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर कर लिया इंटीग्रेट और मिल गया वी, फिर वी से तुमने फाइंड किया एक्स, तो एक्सेलेरेशन से फाइंड किया वेलोसिटी, वेलोसिटी से फाइंड किया एक्स। ये क्यों किया? क्योंकि शुरू में हमको पता नहीं था कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में दिखता कैसा है। तुमको एक बार पता लग गया दिखता कैसा है, इक्वेशन नंबर फोर जैसा दिखता है। तो नाउ यू आर श्योर कि हमको पता है कि अगर एस एच एम है तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सम एंगल आएगा, अल्फा लिखो या फाई लिखो तुम्हारी मर्जी है। तो अब हम उल्टा अप्रोच यूज करेंगे, हम एक्स से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, क्या मिल जाएगा वी, वी मिल गया, फिर डेरिवेटिव लेंगे क्या मिलेगा ए। पहले तुमने क्या किया, ए से स्टार्ट किया इंटीग्रेट किया वी मिला, वी से स्टार्ट किया इंटीग्रेट किया एक्स मिला। तो अब हम जनरल इक्वेशन बना लेंगे। तो जनरल इक्वेशन फॉर ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट, फॉर ऑफकोर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम। तो अब हमको पक्का पता है कि एस एच एम में एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आने वाला है, तो फिर वी निकालना क्या डिफिकल्ट है, डी एक्स बाई डी टी। तो जब डेरिवेटिव लोगे तो ए तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, साथ में ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव ओमेगा, ये मिल गया वी। फिर जब ए चाहिए तो डीवी बाई डी टी, ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, फिर ओमेगा टी प्लस और एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर मैं काम करता हूँ, मैं ए को अंदर लेके जाता हूँ, साइन के साथ लिखता हूँ। ऐसा लिखने से क्या होगा कि ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ये क्या था एक्स था, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब तुमने शो कर दिया कि अगर मैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा से स्टार्ट करूं तो मुझे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर राइट? अब इसके बाद ऐसा टॉपिक होगा जिसमें तुम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करोगे ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज, तो यू विल फाइंड आउट व्हाट आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स बी एंड ए। अभी एक्स के एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने से कुछ भी नहीं है, या तो प्लस से होगा या तो माइनस से होगा, पार्टिकल या तो राइट एक्सट्रीम पे होगा एक्स इक्वल टू प्लस से या माइनस ए, डन। यहाँ तो फाइंड करने से कुछ है नहीं। वेलोसिटी क्या आएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? गुड। तो अब अगर एक्स की वैल्यू प्लस ए या माइनस ए हुई, ओके, मतलब वेलोसिटी बन जाएगा आपका मिनिमम। क्यों मिनिमम? क्योंकि ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है वेलोसिटी कितना होता है, वो तो हमने पहले ही बोला था कि नहीं बाउंड्री कंडीशंस, यस, तो वेरीफाई हो गया कि होता है, क्लियर? देन अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे आएगा। एक चीज भूलना मत, यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। तो यू हैव वी मैक्स इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ए स्क्वायर का रूट इज ए, प्लस माइनस ए ओमेगा। प्लस वैल्यू इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन गोइंग टू द राइट, माइनस इंडिकेट्स इट इज एट द मीन पोजिशन गोइंग टू द लेफ्ट। फिर एक्सेलरेशन, और तो जोक है, क्यों जोक है, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो ए की वैल्यू भी जीरो है, तो ए की वैल्यू मिनिमम है, कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। और लॉजिकली स्पीकिंग एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है कभी भी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया क्योंकि मैक्सिमम हो गया, तो डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो मेन पोजीशन पे जीरो आना ही चाहिए था, तो जीरो है। उसके बाद एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, बी केयरफुल विद दिस, यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस, क्योंकि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब तुम बोल रहे हो प्लस ए, मतलब जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे है, प्लस ए पे है, तो एक्शन कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये मैक्सिमम वैल्यू भी है, इट इज ऑल्सो ए मैक्स। जब पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस ए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखते हैं पता है? माइनस प्लस। माइनस पहले लिखा, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक्सीजन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। प्लस बाद में लिखा, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर? गुड, बराबर है। इसके बाद है बेसिक डेफिनेशन, अगर आपको याद होगा तो, है ना, वो मैं रिवीजन में लेता नहीं हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, आप सबको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन। तो वी गो अहेड विथ डायरेक्टली कॉम्पोजिशन ऑफ टू एस एच एम्स। अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम। कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम्स का मतलब यह है कि हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है अलॉन्ग द सेम पाथ विद द सेम टाइम पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास दो पार्टिकल्स है विच आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग द सेम पाथ। एम्पलीट्यूड अलग अलग है उसका, एक का एम्पलीट्यूड ए1 है, दूसरे का ए2 है, बट पाथ सेम है और टाइम पीरियड सेम है। और टाइम पीरियड सेम होने का मतलब ये होता है ओमेगा सेम होना, क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो बेसिक, अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर तो कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, पर बेसिक ध्यान में नहीं होगा तो गए काम से। हमको करना क्या है, हमको ये सेम पाथ क्यों बोला? दोनों दोनों पार्टिकल्स का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा या अलोंग वाई होगा या अलोंग जेड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का अलोंग एक्स है, एक का अलोंग वाई है। अगर है तो तुम कंबाइन नहीं कर सकते। यहाँ तुम बोल रहे हो कंपोजिशन, मतलब आप दो मोशंस को सिंगल ट्रीट करने वाले हो, और वो होता है थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब पहले पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, वी डोंट नो। उसने मेन से स्टार्ट किया हो सकता है, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो मैं बोलूंगा कि एक्स वन इक्वल टू ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई वन। अल्फा वन लिखना है, अल्फा वन लिखो। नोटेशन आपके ऊपर, नोटेशन आप डिसाइड करोगे कि क्या लिखना है, राइट। दूसरे पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, आई डोंट नो। पहले से ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई टू, बट आई विल कंबाइन दीज टू मोशन एंड ट्रीट द मोशन एज सिंगल मोशन। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। फिर दिस इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुमको उसमें करना क्या है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको यहाँ पे दो मोशंस को कंबाइन करके सिंगल मोशन ट्रीट करना है और उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। जैसे पहले मोशन का एम्पलीट्यूड था ए वन, दूसरे का था ए टू, तो कॉम्बिनेशन में क्या आएगा वो फाइंड करना है आर। पहले पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, फाई वन, इनिशियल फेजेस फाई वन। अगर मेन से स्टार्ट किया होगा तो जीरो आएगा फाई वन, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम से तो पाई बाई टू आएगा, नेगेटिव से स्टार्ट करेगा तो थ्री पाई बाई टू आएगा, बराबर, करेक्ट यहाँ तक, गुड। सिमिलरली जब मैं मोशन को कंबाइन कर देता हूँ, दो पार्टिकल के मोशन को मैं सिंगल देख रहा हूँ, तो वो कहीं से तो स्टार्ट करेगा, मे बी फ्रॉम मीन, मे बी फ्रॉम एक्सट्रीम। तो जो रिजल्टेंट फेज है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो हमारा टास्क है टू फाइंड आउट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों मोशन कंबाइन करने के बाद सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं वो चेक करो। सिंपल हार्मोनिक के लिए इक्वेशन कैसा दिखना चाहिए, एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ समथिंग। तो वैसा है कि नहीं पहले तो तुमको वो प्रूव करना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिक्स तुमको सॉल्व करना है। यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी दो बार आया, तो पहले साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी,
प्लस कॉस ए साइन बी। तो अप्लाई दिस हियर सिंपल, तो यू विल हैव साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वन इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव वन प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव वन। सिमिलरली साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टू विल बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव टू। बराबर, यस, हाँ सही है, गलत नहीं है, करेक्ट। अब x के इक्वेशन में इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, a1 वन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वन, लेकिन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वन क्या है, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव वन कॉस ओमेगा टी साइन फाइव वन। फिर मैं क्या करूंगा, a1 को इससे और a1 को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं थोड़े शॉर्टकट्स मारूंगा बिकॉज हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, तो आई विल नॉट बी गोइंग डूइंग एवरीथिंग इन डिटेल। सिमिलरली सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा, ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टू, मतलब क्या साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस फाइव टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव टू, और ए टू को दोनों से कर देंगे मल्टीप्लाई। और लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लिखते हो तुम सही ढंग से तो तुमको समझ में आता है कि अगला स्टेप क्या है। सही ढंग से लिखा तो समझ में आ गया, इधर में से साइन ओमेगा टी कॉमन निकलेगा, यहाँ में से कॉस ओमेगा टी कॉमन निकलेगा, तो दैट इज वॉट बेसिकली विल हेल्प यू इन बोर्ड एग्जाम्स। निकाल लो कॉमन, साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू, और सेकेंड फोर्थ टर्म में से कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया, तो ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू। नाउ एट दिस स्टेप यू आर स्टक मैथमेटिकली, और जब जब मैथमेटिक्स में अटक जाओ तो एक ही काम होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो जिसमें कॉस दिख रहा है उसको बोल दो आर कॉस डेल्टा, जिसमें साइन दिख रहा है आर साइन डेल्टा। तो मैथ्स बहुत इजी है, क्योंकि जहां अटक गए तो एक ही काम होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो लेट ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू इक्वल टू आर आर कॉस डेल्टा, क्योंकि इसमें कॉस है तो कॉस, तो आर कॉस डेल्टा, और ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू इक्वल टू आर साइन डेल्टा, राइट। तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन तुमने वहां पे इक्वेशन में करना, ये जो ए वन कॉस फाइव वन और ए टू कॉस फाइव टू, यहाँ पे क्या लिखोगे आर कॉस डेल्टा, तो एक्स इक्वल टू पहले कौन है यहाँ पे साइन ओमेगा टी, साथ में किसको लिखना है आर कॉस डेल्टा, दूसरे टर्म में कौन है कॉस ओमेगा टी, साथ में क्या लिखना है आर साइन डेल्टा, इन दोनों में से कौन कॉमन होगा आर कॉमन आएगा, तो एक्स इक्वल टू आर आ गया कॉमन साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्म, तो आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हेंस प्रूव की कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप फाइंड करो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये जो सब्स्टिट्यूट किया है तुमने आर कॉस एंड आर साइन, इसको स्क्वेयर एंड एड करोगे तो आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा इक्वल टू, इतना परफेक्शन चाहिए कि सोचने का काम ही नहीं पड़े, कॉस है ना तो ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू ब्रैकेट स्क्वेयर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर, ए वन कॉस स्क्वेयर फाइव वन प्लस ए टू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव टू प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन कॉस ऑफ फाइव टू प्लस ए वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव वन प्लस ए टू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव टू प्लस टू ए वन ए टू साइन फाइव वन साइन फाइव टू। वापस से लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको दिख रहा है यहाँ पे a1 square
कॉमन यहाँ से ए टू स्क्वायर कॉमन, यहाँ से टू ए वन ए टू कॉमन, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, और वो बन जाएगा वन। तो ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ए वन स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, कॉस स्क्वायर फाइव वन प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन इज वन, तो ए वन स्क्वायर बराबर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू प्लस साइन फाइव वन साइन फाइव टू, कॉस ए कॉस बी माइनस सॉरी प्लस साइन ए साइन बी विच इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू, फिर आप निकाल लोगे इसका स्क्वायर रूट, तो मिल जाएगा आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट। तो इसके बाद तीन स्पेशल केसेस हैं। पहले आप बोलते हो कि दोनों पार्टिकल ने सेम ही पॉइंट से स्टार्ट कर लिया, फाइव वन इक्वल टू फाइव टू, फाइव वन इक्वल टू फाइव टू, तो फाइव वन माइनस फाइव टू इज जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो इज वन, तो अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, मतलब ए वन प्लस ए टू ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब ए वन प्लस ए टू। फिर बोलते हो कि चलो एंड्रॉइड भी सेम कर लो टू ए, फिर आप बोलते हो कि एक पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया होगा एक ने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया होगा, तो फिर डिफरेंस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू इज जीरो, मतलब टू ए वन ए टू का टर्म गायब हो गया, बचा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर का रूट। फिर बोलते हो ए वन इक्वल टू ए टू, मान लो ए है तो रूट टू ए, फिर बोलते हो चलो एक ने राइट से स्टार्ट किया एक ने लेफ्ट से स्टार्ट किया, मतलब फेज डिफरेंस इज पाई बाई नहीं पाई 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 बाई टू एक का, पाई बाई टू दूसरे का, टोटल कितना है पाई, cos ऑफ पाई इज माइनस वन, उस केस में आएगा ए वन माइनस ए टू ब्रैकेट स्क्वायर का रूट, तो ए वन माइनस ए टू, फिर बोलते चलो ए वन इक्वल टू ए टू मान लो तो जीरो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज जीरो। अब आ जाते हैं रिजल्टेंट फेज, कुछ नहीं है, इन दोनों को पहले तुमने स्क्वायर ऐड किया, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर लो, अभी डिवाइड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा, आर आर हो गया कैंसल, ऊपर साइन लिखा है मतलब ए वन साइन फाई वन प्लस ए टू साइन फाई टू अपॉन ए वन कॉस फाई वन प्लस ए टू कॉस फाई टू, आर आर कैंसल, साइन बाय कॉस इज टैन, तो टैन डेल्टा इक्वल टू ए वन साइन फाई वन प्लस ए टू साइन फाई टू अपॉन ए वन कॉस फाई वन प्लस ए टू कॉस फाई टू, हमको टैन डेल्टा नहीं, हमको डेल्टा चाहिए, क्या चाहिए डेल्टा चाहिए, तो क्या आएगा टेन इनवर्स ऑफ, तो यू विल हैव टेन इनवर्स ऑफ, हाँ टेन इनवर्स ऑफ ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू अपॉन ए वन कॉस फाइव वन अपॉन सॉरी प्लस ए टू कॉस फाइव टू, मिल गया आपको रिजल्टेंट फेस, क्लियर। इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलॉन्ग एनी डायामीटर एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिक्वेंशियली तो यही आना चाहिए, देखते हैं कुछ रह गया तो बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल तो मुझे जहां तक याद आ रहा है वो यही है, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलॉन्ग एनी डायामीटर, अलॉन्ग एनी डायामीटर एज एस एच एम, यही है ना, नोट्स मैंने ही लिखे तो याद तो रहना चाहिए था, चलो एनीवेज, तो हमारे पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। और याद रखना यूसीएम या एनी सर्कुलर मोशन इज टू डायमेंशनल, तो ये मोशन टू डी है और एसएचएम ये वन डी है, हमारे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, मान लो ये पार्टिकल है, जो पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है उसको बोलते हो रेफरेंस पार्टिकल, क्या बोलते हो रेफरेंस पार्टिकल, और जिस सर्कल पे ये यूसीएम परफॉर्म करता है उसको बोलते हो रेफरेंस सर्कल, क्या बोलते हो उसको रेफरेंस सर्कल। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि मैं अगर इस यूसीएम का प्रोजेक्शन लेता हूँ, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट मतलब शेडो, अब शेडो का मतलब भी समझ लो, इमेजिन इमेजिन ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो थोड़ा सा ध्यान दे के समझना, जब ये पार्टिकल यहाँ था तो उसका शैडो भी वहां था, शैडो क्योंकि मैं कहाँ देख रहा हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस,
ये पार्टिकल जब यहां आया उसका शैडो मतलब उसका प्रोजेक्शन मतलब उसका कंपोनेंट ये आ गया यहां पे। जैसे ही ये पार्टिकल आगे गया इसका कंपोनेंट भी यहां पे आ गया। ये पार्टिकल यहां आया उसका कंपोनेंट और उसका शैडो भी यहां पे आ गया। ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो कंपोनेंट आ गया उसका यहां पे। पार्टिकल इफ इट रीचेस हियर द कंपोनेंट इज आल्सो देयर। पार्टिकल इज समवेयर ओवर हियर लेट अस से देन कंपोनेंट नाउ बिकॉज कंपोनेंट इज गोइंग बैक। एक काम करते हैं ना आपको क्लियर करने के लिए इसको बोलता हूं बी पॉइंट इसको बोलता हूं सी पॉइंट। तो यूसीएम के आधे सर्कल में शैडो का सी से बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। अब यूसीएम के अगले आधे सर्कल में शैडो वापस जाएगा बी टू सी। मतलब पार्टिकल तो परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकिन उसका प्रोजेक्शन कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स एक्सिस क्या है डायामीटर है। तो मैंने क्या बोला अलोंग एनी डायामीटर। ये प्रूव करना पड़ेगा सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। हम वो ऐसे नहीं बोल सकते दिख रहा है हमको नहीं। दिखने से क्या होगा कंडीशन है SHM की कंडीशन है। पता है क्या कंडीशन है A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। जब तक तुम वो शो नहीं करते A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तुम प्रूव नहीं करते तब तक तुम बोल नहीं सकते कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे चलो मान लो कहीं तो था इनिशियली पार्टिकल वॉज समवेयर इनिशियली लेट अस से यहां पे था। तो जो इनिशियल एंगल इसने बनाया है वो है अल्फा और ये पार्टिकल UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड इसका स्पीड कितना है ओमेगा। अब टाइम टी में वो यहां पे आ गया मतलब इट हैज बेसिकली कवर्ड सम एंगल इन टाइम टी दैट इज ओमेगा टी क्योंकि थीटा क्या होता है ओमेगा टी। इनिशियल फेस कितना था अल्फा टाइम टी में कितना है ओमेगा टी तो टोटल कितना आ गया ओमेगा टी प्लस अल्फा ये कितना है 180 तो ये कितना बचा 180 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा बिकॉज मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं तो प्लस अल्फा। यहां तक क्लियर। अब देखो बात ऐसी है यूसीएम 2D है मतलब उसमें दो दो कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट एक्शन के दो कंपोनेंट लेकिन SHM जो शैडो है उसमें एक ही कंपोनेंट आएगा क्योंकि वो 1D है। तो 2D का प्रोजेक्शन अलोंग डायमीटर इज 1D मतलब आप फॉर श्योर ऐसा लिख सकते हो x कंपोनेंट ऑफ डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ UCM इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM प्रोजेक्शन मतलब SHM ठीक है ऑफ प्रोजेक्शन। यहां तक क्लियर पक्का पक्का क्लियर। सिर्फ एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का देखोगे क्या नहीं किसका देखोगे और वेलोसिटी और किसका एक्सेलरेशन का। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ UCM इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ UCM इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ UCM इज एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन। इज दिस क्लियर पक्का पक्का श्योर श्योर गुड राइट। तो अब पहले फिर एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लो फिर क्योंकि तुम बोल रहे हो एक्स कंपोनेंट तो कर लो एक्स कंपोनेंट फाइंड। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ये एक्स कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का लेकिन ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में तो ये एक्चुअली है माइनस एक्स और ये एडजेसेंट है एंगल को कौन से एंगल को 180 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। एडजेसेंट होता तो कॉस की साइन कॉस तो यू कैन से कॉस ऑफ 180 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज रेडियस विच इज डिनोटेड बाय ए cos of 180 minus theta is minus cos theta. So minus cos of omega t plus alpha is minus x by minus minus ho gaya plus. So x equal to a cos omega t plus alpha. So mujhe agar v chahiye to dx by dt ho jayega.
माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आ जाएगा। फिर ए चाहिए तो वो आ जाएगा डीवी बाय डीटी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा इज एक्स, तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हेंस प्रूव्ड प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी डायमीटर इज एस एच एम, क्योंकि ये क्या बताता है एस एच एम। क्लियर। इसके बाद इफ आई रिमेम्बर वो इज द एनर्जी का थिंग ना, नहीं ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एच एम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दो में से एक ही केस लेंगे, क्योंकि पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो अलग ग्राफ बनते हैं, मीन से स्टार्ट करता है तो अलग ग्राफ बनते हैं। हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस पे क्वेश्चन आया है 2 मार्क का, तो तुमको बताना चाहिए हम एस एच एम को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, आई विल टेक ओनली द केस ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, यू विल डू फॉर एक्सट्रीम पोजीशन बाय योरसेल्फ। इसमें टोटल हमको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, मतलब एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेशन तो कुछ है ही नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमको टेबल में लगने वाले हैं टोटल 6 कॉलम और 5 रो। टी ओमेगा टी मतलब थीटा, ओमेगा डी इज थीटा, तो टी ओमेगा टी एक्स वी ए, राइट। ये हो गया 5 रो 6 कॉलम। कम से कम 5 पॉइंट लगते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। क्यों लगते हैं 5 पॉइंट? मतलब एक साइकिल कंप्लीट। साइन 0 0, साइन पाई बाय 2, साइन पाई, साइन 3 पाई बाय 2 एंड साइन 2 पाई। तो 5 पॉइंट मतलब एक साइकिल कंप्लीट होती है। पता चाहिए, तुम 4 अगर लिख रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम 4 में कुछ बता नहीं सकते। 5वां जब तक नहीं होगा, हमको पता है वो साइन कोसाइन है, लेकिन मैथमेटिकली स्पीकिंग 5 पॉइंट लगते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे, हम बेसिकली 5 पॉइंट लेंगे, या तो एंगल में ले लो ओमेगा टी, या तो फिर टाइम इंस्टेंट में ले लो। तो चलो दोनों ही ले लेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे एक से दूसरा कैलकुलेट करते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। तो यह आ गया आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, तो हमको 5 तो चाहिए थे रो, तो 5 रो बन गए। और कितने कॉलम चाहिए? 6। 1 2 3 4 5। सिक्स मोर और लेस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सफिशियंट है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं प्लॉट यहां लिखूंगा टी, यहां लिखूंगा मैं ओमेगा टी एक्स वी और ए। टाइम इंस्टेंट्स 0, मैं टाइम इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। मीन से स्टार्ट हुआ, राइट एक्सट्रीम पे गया T/4, वापस मीन पे आया T/2, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया 3T/4, फिर आ गया T। ये होता है, तुमको ये पता होना चाहिए। अब ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, बराबर। अभी तुम बोल ही रहे हो मीन से स्टार्ट कर रहा है, तो टी इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, फिर इधर 0 होगा, फिर इधर 0 होगा। T/4 1/4 के बाद ये आ जाएगा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे, आ जाएगा। और एक्सेलरेशन तो डिपेंड ही एक्स पे ऊपर करता है, तो जहां जहां एक्स 0 वहां वहां पे A 0, और एक साइन है दूसरा कॉस है, जब साइन मैक्सिमम होता है तो कॉस 0 होता है, बराबर। आधे से ज्यादा टेबल तो ऐसे ही खत्म हो गया। वी इक्वल टू, छोड़ो बाकी सब, व्हाट इज ओमेगा टी 0, व्हाट इज कॉस ऑफ 0 1, तो वी क्या आ गया ए ओमेगा।
और ये माइनस ए ओमेगा, और ये वापस से ए ओमेगा, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और ये के ओमेगा स्क्वायर बन गया टेबल। अब क्या करना है, प्लॉटिंग। और प्लॉट करने के लिए एक ही ग्राफ पे मैं तीनों प्लॉट करने वाला हूं। पांच पॉइंट मैंने बोले थे, पांच पॉइंट, फाइव पॉइंट्स आर एसेंशियल, जीरो, टी बाय फोर, टी बाय टू, थ्री टी बाय फोर एंड टी। या तो तुम, मैंने जैसे बोला, या तो तुम लिख लो टी के टर्म्स में, या तो तुम लिख लो ओमेगा टी के टर्म्स में। फेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फेज। या तो राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ टाइम इंस्टेंसेस, और राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ फेज ओमेगा टी। तो तुम्हारी मर्जी, ये जीरो है, ये पाई बाय टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाय टू है, ये टू पाई है। और मैंने क्या बोला, एक ही ग्राफ पे हमको तीन चीजें दिखानी है, ना दिखानी है, तीन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मोर और लेस सही है। चलो ठीक है, आ गया बराबर। डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेव था, साइन वेव। तो साइन वेव तुमको पता नहीं क्या, बराबर। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए, ये माइनस ए। फिर एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव साइन है, इन्वर्टेड साइन है, इन्वर्टेड साइन है ना, नहीं कॉस नहीं, कॉस नहीं, इन्वर्टेड साइन। एक्सेलरेशन इज माइनस एक्स, हाँ ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और ऊपर है प्लस ओमेगा। और वेलोसिटी क्या है, कॉस, वेलोसिटी है कॉस। कॉस और साइन में डिफरेंस पता है क्या है, पार्ट डिफरेंस तो है, जब साइन मैक्सिमम होता है कॉस जीरो होता है, जब साइन होता है कॉस मैक्सिमम होता है। यहाँ पे साइन जीरो है तो कॉस मैक्सिमम है, आ गया। दिस इज हाउ इट विल बी, ऐसा ही है डेफिनेटली 100% बराबर। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पाई बाय टू, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में पाई बाय टू, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस है पाई। ये स्टेट बोर्ड सीईटी नीट जेई हर टाइप ऑफ एग्जाम में आया है पहले इन पास्ट, नो प्रॉब्लम विद दिस। अब हमको देखना है एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना तो बहुत ही सिंपल टास्क है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर तो पता ही है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी क्या था, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस एच एम फाइंड करना, इट इज अ वेरी सिंपल टास्क, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर होता है के, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। फिर फाइंड करोगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने बहुत बार बोला है वर्क डन से ही आता है, तुम फिजिक्स का कोई भी कॉन्टेक्स्ट उठा लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन। तो यहाँ पे हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है हमारे पास एक पाथ है, उस पाथ का ये मेन पोजिशन है, ये उसका राइट एक्सट्रीम है, ये उसका लेफ्ट एक्सट्रीम है। पार्टिकल एट सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज समवेयर, लेट अस से एट पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है एक्स, और इस पार्टिकल को हमको डिस्प्लेस करना है क्यू पे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, क्यू पे। डिस्प्लेसमेंट टू द राइट है, फोर्स टू द लेफ्ट है, तो वर्क डन होगा, और हमको डिस्प्लेस करना है थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, एंड वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विद अ माइनस साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, लेकिन फोर्स इटसेल्फ इज माइनस के एक्स, तो माइनस हो गया प्लस, तो वर्क डन इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स, लेकिन ये वर्क डन तो तुमने फाइंड किया फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मुझे अगर फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, तो मैं क्या इमेजिन करूंगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू,
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, स्मॉल वर्क डन dw, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, स्मॉल वर्क डन dw, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा बाय इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से x डिस्टेंस तक, तो जीरो से x के x dx, तो देयरफॉर वर्क डन w इक्वल टू k कांस्टेंट x dx फ्रॉम जीरो टू x, दिस इक्वल टू k x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम जीरो टू x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वर्क डन इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2, वर्क इज एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी फाइंड कर लो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ के a square minus x square plus half k x square, half k निकाल लो तुम common, a square minus x square plus x square cancel cancel, तो half k a square आ गया total energy, इसके बाद हमको show करना है conservation of total energy, अब हमको एक चीज तो पक्का पता है, क्या पता है हमको, ये पता है कि potential energy तो conserved नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे मीन पे जीरो है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पे है, काइनेटिक एनर्जी सेंटर पे मैक्सिमम एक्सट्रीम पे जीरो है क्योंकि स्पीड एक्सट्रीम पे जीरो है, मतलब ये कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम से सॉरी मीन से कहां जा रहा है एक्सट्रीम पे, तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल में, और जब एक्सट्रीम से आ रहा है मीन पे तो पोटेंशियल का कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक में, मतलब वो तो कॉन्सेप्ट है नहीं, दे आर चेंजिंग, वॉट इज कॉन्स्टेंट इज द टोटल एनर्जी, तो अगर आपको प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी कॉन्सर्व्ड है तो तीन पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक मीन, एक एक्सट्रीम और एक इन बिटवीन, और तीनों पे टोटल एनर्जी क्या आता है सेम ऐसा शो करना पड़ेगा, उसमें से एक तो तुमने अभी कर दिया, ये इंटरमीडिएट पॉइंट था ना, ये ना मीन था ना ये एक्सट्रीम था, तो अभी बचा दो, कौन सा दो, मीन एंड एक्सट्रीम, तो एट मीन एंड एट एक्सट्रीम, बहुत ही सिंपल केस है, एक्सट्रीमली सिंपल केस, वॉट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, तो हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है जीरो है, तो कितना है जीरो है, तो टोटल एनर्जी क्या है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, काइनेटिक हाफ के ए स्क्वायर है, पोटेंशियल जीरो है, तो हाफ के ए स्क्वायर है, ये आ गया टोटल एनर्जी, कहां पे मीन पे, आगे फिर एक्सट्रीम पे, एट एक्सट्रीम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो बिकॉज हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, then potential energy will be equal to half k a square, so total energy will be again half k a square, hence proved, फिर इसके बाद आपको प्लॉट करना है ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एनर्जी, तो तुम y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो एनर्जी, x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो तुम x, ये है x इक्वल टू जीरो मेन पोजिशन, ये है x इक्वल टू माइनस a लेफ्ट एक्सट्रीम, ये है x इक्वल टू प्लस ए राइट एक्सट्रीम, x इक्वल टू प्लस ए, हमने अभी अभी देखा मैक्सिमम एनर्जी द पार्टिकल कैन हैव इज हाफ के स्क्वायर दैट इज टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कभी भी टोटल से ज्यादा होता नहीं है, एट द मोस्ट टोटल एनर्जी कैन, एट द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी कैन बी इक्वल टू टोटल एंड पोटेंशियल कैन बी इक्वल टू टोटल, तो ये अपर लिमिट है, ये टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो ये टोटल से कभी ज्यादा हो नहीं सकता, होगा ही नहीं, अगर हो गया तो तुम गलत फिजिक्स की बात कर रहे हो, दैट इज नॉट करेक्ट, फिर पहले क्या प्लॉट करें बताओ, काइनेटिक, चलो काइनेटिक, काइनेटिक कहां पे जीरो है एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम कहां पे है, कहां पे है मीन पे, तो एक्सट्रीम पे जीरो है मीन पे मैक्सिमम है, ऐसा आएगा कर्व, एक्सट्रीम पे जीरो है और मीन पे मैक्सिमम है, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल मीन पे मैक्सिमम है, मीन पे जीरो है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा आना चाहिए वो कर्व, तो ये आ गया आपके पास ग्राफ,
ये किसका ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी का। गुड, क्लियर। इसके बाद होगा सिंपल पेंडुलम का केस, है क्या? यस, इसके बाद है सिंपल पेंडुलम का केस। सिंपल पेंडुलम आप दो अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हो, एक है पहला रोटेशनल डायनामिक्स में कॉनिकल पेंडुलम और दूसरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक लीनियर मोशन है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर मोशन की। हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, इस स्ट्रिंग को एक बॉब लगा दिया, ये बन गया पेंडुलम। अब हम करने क्या वाले हैं? इसको डिस्प्लेस करने वाले हैं, लेकिन डिस्प्लेस ज्यादा एंगल से कर नहीं सकते, और डिस्प्लेस करके इसको कर दिया हमने रिलीज। कॉनिकल पेंडुलम में डिस्प्लेस करके तुमने उसको हॉरिजॉन्टल पुश दे दिया था, तो पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग मेक्स द कोन, राइट। यहाँ पे पहली बात तो स्मॉल एंगल है, तो ये जो एंगल है ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये स्मॉल एंगल है, 10 डिग्री से कम, क्योंकि 10 डिग्री के ऊपर गए तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के नहीं लगा सकते। नंबर टू, याद कैसे रखते हो? कॉनिकल पेंडुलम में तुम कंपोनेंट्स करते हो टेंशन के, टी साइन थीटा देता है एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि वहां सर्कुलर मोशन था, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऑसिलेटरी मोशन है, यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे कंपोनेंट टेंशन के नहीं होते, एम जी के होते हैं। किसके होते हैं? एम जी के होते हैं। किसके होते हैं? एम जी। तो ऐसा उसको याद रखने का तरीका है। तो मैं जानबूझ के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ चेंज हियर। ओके, तो Mg is vertically downwards, तो ये कौन सा है? Mg है। ये थीटा, तो ये कौन है? थीटा है। तो ये कौन है? Mg cos थीटा है। Mg cos को Mg sin होता है, perpendicular, ये आ गया Mg sin थीटा। Mg sin थीटा कहाँ पॉइंट कर रहा है? मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम। तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? इसको बोल दो मैं x डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ l, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस क्यों? क्योंकि टू द लेफ्ट है। साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये x, ये 90 है, हाइपोटेन्यूस l है, तो साइन थीटा क्या आ गया? x बाय l। तो f क्या आ गया? माइनस एम जी एक्स बाय एल। हेंस प्रूव्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, मतलब इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हेंस द मोशन इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एम ए इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल एम एम। तो ए बाय एक्स इक्वल टू माइनस जी बाय एल, मैग्नीट्यूड वाइज ए बाय एक्स इक्वल टू जी बाय एल। हमारा टास्क है टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हो? टू पाई बाय ओमेगा। कैसे फाइंड करते हो? टू पाई बाय ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर क्या था? के बाय एम। तो ओमेगा क्या है? रूट ऑफ के बाय, बराबर। What is force? Kx. What is force? Ma. What is k by m? A by x. लेकिन तुमने a by x क्या find किया? G by l. G by l. तो time period था 2 pi by root of k by m, root of g by l. तो आ गया 2 pi root of l by, done, खत्म। This is the time period of pendulum. आ गया। इसके बाद है एंगुलर SHM, वो मैं नहीं बताऊंगा, इसे मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। एक वायर है, उस पर एक डिस्क अटैच है सेंट्रली, तुम डिस्क को करते हो रोटेट और छोड़ देते हो, इट स्टार्ट परफॉर्मिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एंगुलर मोशन है, एंगुलर SHM है।
तो आपको वहां पे सेम आइडिया है जैसे स्प्रिंग का केस था, यहाँ पे डिस्क का केस है। स्प्रिंग के यहाँ पे क्या है, वायर है, और ब्लॉक के यहाँ पे क्या है, डिस्क है। वहां पे तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, राइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट टू द राइट, रिस्ट्रिंग फोर्स टू द लेफ्ट। यहाँ पे तुम क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो स्ट्रिंग जो है वो ट्विस्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क की बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, विच इज एंगल ऑफ ट्विस्ट विद माइनस साइन। जैसे फोर्स वॉज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजिशन, यहाँ पे टॉर्क इज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर, राइट। तो जैसे तुमने वहां पे लिखा, क्या लिखा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ लिखोगे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। तो ये सारा रेप्लीकेट होगा, सिर्फ लीनियर पैरामीटर्स यहाँ पे लिखोगे एंगुलर पैरामीटर्स। उसके बाद है अ मैग्नेट रोटेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दो चैप्टर में आता है, एसएचएम में और 10th नंबर चैप्टर में, तो वो हम वहां पे कवर करने वाले हैं। अब लास्ट चीज है डैम्ड ऑसिलेशंस। तो जो डैम्ड ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अब तक हमने कहीं पे भी फ्रिक्शनल फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स देखा ही नहीं। ऐसे केस में एम्पलीट्यूड हमेशा रहता है कॉन्स्टेंट, लेकिन अगर रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ एक डैम्पिंग फोर्स आ जाए जो मोशन को स्लो डाउन करेगा, तो उस केस में इनिशियल एम्पलीट्यूड तो सेम है, फिर क्या होगा, कम 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 एंड जीरो। इसको आप बोलते हो डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डैम्ड मोशन में, डैम्ड एसएचएम में हम लोग करते क्या है, हम लोग केस तो वही लेते हैं, मतलब हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, इसको तुमने लगा दिया एक स्प्रिंग, स्प्रिंग के नीचे तुमने लगा दिया एक लोड, तो यू हैव कनेक्टेड अ लोड हियर, बट दिस टाइम विथ लोड यू हैव अ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टी शेप रॉड कनेक्टेड टू दिस। इसको तुमने एक एक्स्ट्रा टी शेप का रॉड कनेक्ट करके रखा है, और जो टी शेप का रॉड है ये सीधा तुमने छोड़ दिया एक लिक्विड के अंदर। तो जैसे ही तुम मास को डिस्प्लेस करोगे नीचे, तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ऊपर, बराबर, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड्स एंड फोर्सेस, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स तो सेम ही रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स का कोई चेंज है नहीं यहाँ पे। तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी माइनस के एक्स, बराबर। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है डैम्पिंग का, क्योंकि तो जब यह बॉडी ऑसिलेट होगा तो ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट टी शेप रॉड, वो पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड क्या करेगा, अपोज करेगा, तो डैम्पिंग हो जाएगा, मतलब मोशन स्लो डाउन होगा, और वो आता है माइनस बीवी। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स आता है ना, टोटल फोर्स कितना होता है, टोटल फोर्स एफ आर प्लस एफ डी, रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स, तो माइनस के एक्स माइनस बीवी। लेकिन फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, और बाद में मैं लिखूंगा वी की जगह पर लिखूंगा, मैं फिलहाल वी लिख देते हैं, फिर एम से डिवाइड कर दो, माइनस के बाय एम एक्स माइनस बी बाय एम वी, बराबर। फिर यहां पे मिल जाएगा ए, ए मतलब डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, और इसको शिफ्ट कर दोगे तो प्लस के बाय एम एक्स प्लस बी बाय एम वी, लेकिन वी क्या है, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू जीरो। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। क्योंकि डैम्पिंग है, मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, पिछले केस में था ए साइन या कॉस ऑफ समथिंग प्लस प्लस सम इनिशियल फेज, अब डैम्पिंग है तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता तो बी टी बाई टू एम लिखते, बढ़ता तो कम हो रहा है तो माइनस बी टी बाई टू एम लिखते हो, ये सोल्यूशन है उसका। पहले क्या लिखा था, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे है ए ई रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा डैश, वहां पे ओमेगा था अंडर रूट ऑफ के बाय एम, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय टू एम का स्क्वायर, वहां पे ओमेगा था टू पाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड था टू पाई बाय ओमेगा, यहाँ पे टाइम पीरियड आएगा टू पाई बाय ओमेगा डैश, ओमेगा डैश आपको पता है ऑलरेडी, राइट, एंड ऑफ द चैप्टर।